न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजू नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। रामपुर में दलित युवक की हत्या के मामले में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे दलित नेता चंद्रशेखर उर्फ रावण को पुलिस ने रोका है। पुलिस ने चंद्रशेखर उर्फ रावण को पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में नजरबंद किया। रामपुर जाने से रोकने पर चंद्रशेखर उर्फ रावण उनके समर्थक ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स को लगाया गया। इस उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बड़े बड़े वादे करते हैं, दलित सम्मेलन बुलाते हैं। ये दलित सम्मेलन का सच है कि दलितों के लिए शमशान घाट से कम नहीं बचा उत्तर प्रदेश। ये नहीं पता कल किसको गोली लगेगी, किस निर्दोष का एनकाउंटर होगा। ये सारी चीजों का जवाब समय आने पे हम लोग लेंगे। हम चुप नहीं रहेंगे। सारे अधिकारी कर्मचारी जब अगर आज सरकार के हिसाब से काम कर रहे हैं तो वो संविधान का अपमान कर रहे हैं। वो अपने माथे पे लगे इस शेर के निशान अशोक चक्र का अपमान कर रहे हैं। इनकी जिम्मेदारी थी कमजोरों की आवाज बनने की, उनको ताकत देने की, उनका संरक्षण करने की। यही पुलिस गोली मारेगी। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो न्याय कौन करेगा? गरीबों की रक्षा कौन करेगा? बहन बेटियों की रक्षा कौन करेगा? बहन बेटियों की रक्षा में ना सफल होने वाली पुलिस और सरकार जवाब दे। अवैध नशे और अन्य काले धंधों में लिप्त माफियाओं के खिलाफ उत्तरकाशी के पुलिस कप्तान अपर्ण यदुवंशी एक्शन मोड पर हैं। उनके द्वारा अधीनस्थ सभी अधिकारियों को संदिग्ध गतिविधियों पर तस्करों पर कड़ी नजर रखने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए अवैध संदिग्ध गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए पुलिस लगातार मुस्तैदी के साथ चेकिंग कर रही है। लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्विघ्न बनाने के लिए उत्तरकाशी पुलिस की जो सघन चेकिंग अभियान है वो अभी से चालू हो गया है। और इसी सघन चेकिंग के दौरान आज सुबह धरासू पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, प्रतिबंधित काजल काट की लकड़ी के साथ। और ये जो काजल काट की लकड़ी है, 192 नग लकड़ी बरामद की गई है 3 तस्करों से। और इनके तस्करों के नाम हैं देवेंद्र पुत्र भैरव सिंह जो कि पठाली उखीमठ रुद्रप्रयाग का रहने वाला है, और बाकी 2 लोग हैं श्याम बहादुर और रोशन बहादुर। ये दोनों का मूल निवासी ये नेपाल के रहने वाले हैं। प्रदेश में साइबर क्राइम थाने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वर्चुअल शुभारंभ किया गया। झांसी के रक्सा थाना में भी साइबर क्राइम थाने का शुभारंभ किया गया, जिसमें कानपुर जोन के एडीजी आलोक सिंह मुख्य रूप से मौजूद रहे। उन्होंने नए साइबर क्राइम थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि पुलिस के सामने समय सबसे बड़ी चुनौती साइबर क्राइम है, जिससे निपटने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस हर थाने पर साइबर हेल्प डेस्क बना रही है जो साइबर अपराध पर लगाम लगाने का काम करेगा। इस दौरान झांसी रेंज के DIG कलानिधि नैथानी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस समय की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो साइबर वर्ल्ड में जिस तरह का क्राइम हो रहा है, उस क्राइम को कितनी प्रोफेशनली हम लोग हैंडल करते हैं, इसके लिए ये आवश्यक था कि एक तो हर जनपद में सेपरेट एक साइबर पुलिस स्टेशन रहे और साथ ही साथ वहाँ पर ट्रेंड लोग, जो इस नई चुनौती है और आज की का यथार्थ भी है, उसके को हैंडल करने के लिए ट्रेंड लोग। पूरे जोन में हमने 718 लोगों को ट्रेन किया है, जिनको अलग अलग साइबर फॉरेंसिक्स, साइबर क्राइम एनालिसिस, IT एक्ट में दक्ष हैं। उनको संसाधन जो है हमारे पास, जो लेटेस्ट कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर्स हैं जिसकी ज़रूरत मोबाइल फॉरेंसिक्स में ज़रूरत पड़ती है, कंप्यूटर फॉरेंसिक्स में ज़रूरत पड़ती है, वो उपलब्ध कराए गए हैं और एक ऐसा मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है जिससे कि इस कानपुर के बरा थाना क्षेत्र स्थित दामोदर नगर सेंगर चौराहे के पास खाली पड़े प्लॉट पर मानव कंकाल मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आनन फानन में क्षेत्रीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके की छानबीन शुरू की, इस बात का पता लगा रही है कि मानव कंकाल किसने और यहां पर क्यों डाला है। जानकारी के मुताबिक ADCP अमृता सिंह ने बताया कि दामोदर नगर के सेंगर चौराहे के पास एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ है जहां किसी अराजक तत्वों के द्वारा मानव कंकाल फेंका गया। वहीं मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम जांच कर रही है। जांच के बाद क्षेत्रीय थाने द्वारा घटना का अनावरण किया जाएगा। वहीं मानव कंकाल मिलने से इलाके में दहशत का माहौल जरूर बना हुआ है। बर्रा में दामोदर नगर में एक खाली प्लॉट में कुछ नरकंकाल के अवशेष मिले हैं, जिसमें स्थानीय पुलिस मौके पर आ गई है। FSL को बुला लिया गया है। यहाँ स्थानीय लोगों से बात करने पर पता चला है कि ये पहले यहाँ पर नहीं था। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई फेंक कर इसे गया है। जल्द ही इस घटना का अनावरण स्थानीय पुलिस के द्वारा किया गया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए पुलिसकर्मियों की सुविधाओं को लेकर आवासीय हॉस्टल विवेचना कक्ष सहित करोड़ों की परियोजनाओं का वर्चुअल तरीके से लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री के वर्चुअल लोकार्पण पुलिस लाइन के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें साइबर थाने के साथ जनपद के 5 थानों सलौन, डलमऊ, गुरबख्शगंज, हर्षदपुर और डी थानों में पुलिसकर्मियों को आवासीय सुविधाओं के बैरक और विवेचना कक्ष का भी लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री के लोकार्पण के समय जिलाधिकारी हर्षिता माथुर, पुलिस अधीक्षक अभिषेक कुमार अग्रवाल, प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के अलावा अन्य गणमान्य लोग मौजूद नजर आए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्चुअल मोड के माध्यम से साइबर थाना रायबरेली व 5 अन्य निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया गया है, जिसमें हरचनपुर, दलमाऊ, डी यहाँ पर बैरक हैं और विवेचना कक्ष का लोकार्पण किया गया है। निश्चित ही इन संसाधनों के उपलब्ध होने से जनता की सेवा पुलिस और बेहतर तरीके से करेगी। रायबरेली में रेलवे ट्रैक पर युवक और युवती के शक्त विशक्त हालत में शव मिले। रेलवे ट्रैक पर अज्ञात युवक युवती के शक्त तक शव मिलने से पूरे जिले में हड़कंप मच गया। मृतक युवक और युवती का अभी तक कोई पता नहीं लग पाया, शिनाख्त नहीं हो पाई है। घटना से जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। जगतपुर थाना क्षेत्र के रायबरेली उचा रेलवे ट्रैक पर चांदमो गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 1 मार्च को एक दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे रायबरेली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रायबरेली को 1000 करोड़ रुपए की सौगात देने वाले हैं। रायबरेली में बनने वाले रिंग रोड फेज 2 के साथ साथ जनपद के ओवर ब्रिज और सड़कों का शिलान्यास करेंगे। प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह भी इस बात की जानकारी देते हुए नजर आए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली भारत की सरकार के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री आदरणीय गडकरी जी का कार्यक्रम 1 तारीख को 2 बजे GIC मैदान में प्रस्तावित है और मैं समझता हूँ कई 1000 करोड़ की योजनाएं जो भारत सरकार द्वारा रायबरेली और आसपास को दी गई हैं उनका लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे, जैसे लगभग 1400 करोड़ के आसपास की। कानपुर आगामी त्यौहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने मिलावटी खाद्य सामानों को लेकर छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी कड़ी में सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन को सूचना मिली कि बीनगवा नौबस्ता थाना क्षेत्र में सुरेंद्र पाल नामक व्यक्ति अवैध रूप से मिलावटी सब्जी मसाले का कारोबार कर रहा है, जिस पर खाद्य विभाग की टीम के द्वारा छापेमारी की गई। पाया गया कि उनकी दुकान में भारी मात्रा में मिलावटी सब्जी मसाला निर्माण का काम हो रहा है। खाद्य विभाग की टीम द्वारा बन रही सब्जी मसाले के नमूनों का परीक्षण किया गया तो पाया गया कि धनिया, मिर्ची, हल्दी में मिलावट की जा रही है भारी मात्रा में, जिसमें खाद्य विभाग की टीम ने परीक्षण के लिए सैंपल भेजकर दुकान को सील कर दिया। और वहीं सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन के अधिकारी विजय प्रताप सिंह का कहना है कि उनको काफी दिनों से सूचना मिल रही थी कि नकली सब्जी मसाले को कारोबार किया जा रहा है, जिस पर खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। 6 क्विंटल हल्दी, धनिया, मिर्च मिलावट सामान बरामद किया है। जी, हम लोगों को अभी सूचना प्राप्त हुई थी कि सुरेंद्र पाल यारा बिनगवा नौबस्ता के रहने वाले हैं और वहां पर उन्होंने एक निर्माण पान मसाला सब्जी मसाला निर्माण इकाई लगा रखी है और उसमें वो मिलावटी मसाले बना रहे हैं। हमने अपनी टीम को भेजा और वहां जब टीम ने जांच किया तो पाया कि शिकायत सच्ची है, सही है, तो हम लोगों ने वहां पर धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर। कानपुर के ग्वालटोली थाने में विधवा महिला की नहीं सुनी गई तो पीड़ित ने कानपुर कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाई। कानपुर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र में 12480 में विगत काफी सालों पहले मलिन बस्ती घोषित है। वहीं दबंग आरोपी डामर लाल है, जो कि अपने आप को सपा का नेता बताता है और लखनऊ सचिवालय में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्य थे, जिसके खिलाफ पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज है। वो प्लाट पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और विरोध करने पर गाली गलौज, जान से मारने की धमकी देता है। आपको बता दें कि इसके अलावा रतनलाल खुराना चौकी प्रभारी से मिलकर सांठगांठ करके डराता धमकाता है, जबकि उपरोक्त प्लाट आज भी प्रार्थनी के पति के नाम पर मिला हुआ है। प्रार्थनी और उसका परिवार प्लॉट में मालिकाना कब्जा है और प्रार्थनी के देवर प्रेम पुत्र श्याम लाल और रतन खुराना ने आपस में मिलकर धोखाधड़ी करके उसके घर पर गैर कानूनी रूप से कब्जा कर लिया है। फिलहाल उसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही थी, वो पुलिस कमिश्नर के पास पहुंची है, न्याय की गुहार लगा रही है। मकान में रतन खुराना करके एक है जो लखनऊ सचिवालय में नौकरी करता है और यहाँ पर नेतागिरी करता, सफाई कर्मचारी है और यहाँ पर नेतागिरी करता, हम लोगों को धमकाता है और सपा का नेता है, जीता ना जाता हम लोगों को धमकाता है, पूरे मोहल्ले को भक्की में लिए है, सबको गालियाँ बकता है। थाने में अप्लीकेशन दी लेकिन मेरी कोई सुनाई नहीं। मेरी आज हम आए हैं पुलिस कमिश्नर के यहाँ। क्या मांगे आप? हमारी मांग ये है कि मुझे मेरा मकान मिलना चाहिए, ये बेईमानी कर रहा है, जबरदस्ती से मेरे घर में घुसा हुआ है।
देखा, बदमाशों ने पूर्व नगर पंचायत सिटी अध्यक्ष बेटे अशफाक अहमद के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। बीती शाम 8:15 बजे लोकापुर बाजार निवाड़ी स्थित अपना मेडिकल स्टोर बंद कर घर वापस आ रहे थे। अशफाक अहमद नारायणपुर गांव के समीप जैसे पहुंचे, मोटरसाइकिल सवार अज्ञात बदमाशों ने तमंचा सटाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने तमंचा सटाकर मोटरसाइकिल, पर्स, मोबाइल छीन कर मोहनगंज की तरफ फरार हो गए। आनंद फानंद में आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पीड़ित ने जेठवाड़ा थाने में तहरीर दी है। पूरा मामला जेठवाड़ा थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव के पास का बताया जा रहा है। खबर गोंडा से, जहां जिला पंचायत सभागार में दिशा की बैठक आयोजित हुई। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण ने दिशा की बैठक ली और बैठक में सांसद बृजभूषण ने अफसरों के पेच कसे, उनको जन कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान देने की बात कही। बैठक और कार्यों की समीक्षा के बाद पत्रकारों से रूबरू सांसद ने राहुल गांधी पर टिप्पणी की और कहा कि राहुल गांधी अपसेट है। वहीं चुटकी ली और कहा कि राहुल भाजपा के स्टार प्रचारक है, जितना ये सनातन का विरोध करते हैं भाजपा का ही फायदा होगा। सांसद ने कहा कि आज भी राहुल से मुलाकात संभव नहीं है और उनके नेता राहुल से मिल नहीं सकते। वहीं कुछ नेताओं ने इसी स्वभाव के कांग्रेस पार्टी चलते छोड़ दी है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर टिप्पणी करते हुए सांसद ने कहा कि अपने लोगों को छोटे दल नहीं संभाल पा रहे हैं। इन लोगों ने भाजपा पर भरोसा जताया है, वोट किया है, छोटे दलों की गलती है, वो संभाल नहीं पाए। वहीं मोदी की तारीफ में बोले कि पक्ष विपक्ष मोदी के कार्य से संतुष्ट है और भाजपा ने काम किया है और कहीं ना कहीं तुष्टिकरण की राजनीति को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। और इसीलिए शायद ये छोटे दल भी अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं। इसमें किसी की गलती नहीं है। जिन जिन दलों के लोग टूट करके मतदान किए हैं, ये उन दलों की गलती है। अब आत्मा की आवाज पर वोट निकला क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का निर्माण किया। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त किया। और भी कानपुर के थाना सेन पश्चिमी पारी की कार्रवाई से असंतुष्ट युवती जब पुलिस कमिश्नर कार्यालय न्याय की आस में लेकर पहुंची तो पुलिस ऑफिस में तैनात इंस्पेक्टर ने युवती को यह कहकर टाल दिया कि यहां बहुत से पीड़ित आते हैं, साहब फ्री नहीं है। इतना ही नहीं, युवती का आरोप है कि इंस्पेक्टर ने उनको धक्का देकर बाहर निकाल दिया। इससे आहत होकर पीड़िता पुलिस कमिश्नर की चौकट पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। दरअसल बुधवार को एक युवती अपने साथ हुए दुष्कर्म और शोषण का मामला लेकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंची। उसकी सुनवाई नहीं की गई। पुलिस ऑफिस में तैनात विपिन कुमार पांडे ने उनसे अभद्रता कर भगा दिया। फिर युवती ने मीडिया को बताया कि एक युवक ने उनको शादी का झांसा देकर रेप किया, शोषण करता रहा, जिस पर सेन पश्चिमी पारा थाने की पुलिस ने मुकदमा तो पंजीकृत कर लिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। युवती का आरोप है कि उनका मुकदमा दुष्कर्म की धाराओं में दर्ज हुआ है लेकिन पुलिस मामले में हीलावाली कर रही है। एक एप्लीकेशन मैंने पहले मैं नवस्था थाने की थी FIR लिखाने, वहाँ से उन्होंने FIR लिखने से मना कर दिया। CP सर ने आदेश दिया FIR का। उसके बाद मेरा मेडिकल भी हो चुका है, मेरा बयान भी हो चुका है। उसके बाद जब मैं पुलिस थाने फोन करी, SI मेरा फोन नहीं उठाते। उनके सहयोगी को फोन किया तो वो कह रहे इतनी छोटी मोटी धाराओं में कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। 376 सर 313, उसके बावजूद ये लोग कोई गिरफ्तारी नहीं करे, कोई कार्रवाई नहीं करे। मैं DCP ऑफिस गई, वहाँ कोई विद्याश्री मैडम बैठी, उनका भी सेम ऐसा जवाब था, एप्लीकेशन लेके जाओ, 22 तारीख को मुकदमा दर्ज, कोई कार्रवाई नहीं होती। सदर विधायक देवेंद्र सिंह राजपूत ने शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कासगंज पुलिस लाइन में स्थापित साइबर क्राइम थाने का शुभारंभ किया। जनपद के थानों में स्थापित साइबर सेल का वर्चुअली सचिवालय के लोक भवन स्थित ऑडिटोरियम में शुभारंभ किया गया। साइबर क्राइम थाने का सदर विधायक देवेंद्र सिंह राजपूत ने शुभारंभ किया। स्थायी पुलिस लाइन में थाना साइबर क्राइम बनाया गया। पुलिस लाइन कासगंज के विधायक, सदर SP, DM सहित सभी पुलिस अधिकारी समाज सेवी मौजूद नजर आए। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष पर नकारात्मक राजनीति करने के लिए सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष हमेशा नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए सामने आता है। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि अगर विपक्षी हमारी कमियों को उजागर करता है तो हम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष हमेशा नेगेटिव भूमिका को लेकर ही सामने दिख रहा है। प्रदेश कैबिनेट मंत्री बहुगुणा ने कहा कि विपक्ष ने इस बीच दो बड़ी गलतियां की। पहली गलती राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या न जाकर, और दूसरा UCC को समर्थन न देकर। गन्ना विकास हो, इन सब में हमारी कोशिश यही रही है कि जो नई पॉलिसीज हैं उनमें लोगों को रोजगार पूर्ण बजट रखा जा रहा है। कैसे देखते हैं आपकी, कितनी उम्मीद यूज करें? देखिए, उत्तराखंड एक युवा प्रदेश है। देहरादून के ट्यूड़ी में सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत और 1 घायल हो गया। थाना ट्यूड़ी पुलिस को सूचना मिली कि अटल मार्ग पर हणियुन गांव के पास एक वाहन गहरी खाई में गिर गया। घटना की जानकारी मिलती है SARF की टीम तत्काल घटनास्थल के रवाना हुई, मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव का काम किया। ट्यूनी में अटल की ओर जाते समय ऑल्टो कार लगभग 800 मीटर गहरी खाई में गिर गई, दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 7 लोग सवार थे, जिनमें से 6 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि 1 व्यक्ति घायल हो गया।
आप बता दें कि वाहन में सवार व्यक्ति चालदा महाराज के दर्शन के लिए जा रहे थे। फतेहपुर जिले में आए कैबिनेट मंत्री लोक निर्माण जितिन प्रसाद ने जिले में कई सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री साध्वी रंजन ज्योति सहित जिले के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उन्होंने जिले में करोड़ों की सौगात से परियोजनाओं का शिलान्यास किया और लोकार्पण करते हुए कहा कि जनता की जो मांग थी उन्हें पूरा किया गया है। उन्होंने परियोजनाओं को समय सीमा के अंदर पूरा करने के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को जनता के सामने खड़ा कर पूछा कि कितने दिनों में सड़कों का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। अधिकारियों ने गाजीपुर विजयपुर मार्ग का कार्य 3 मार्च से शुरू कर 3 मार्च 2025 तक पूरा करने का दावा किया है। कैबिनेट मंत्री ने दायित्व दिया है कि किसी भी कार्य में लापरवाही ना की जाए, गुणवत्ता के साथ शीघ्र ही कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। गाजीपुर से विजयपुर तक 33 किलोमीटर के निर्माण को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि मार्च 2025 तक इस सड़क के निर्माण कार्य को पूरा करवा ले। लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी की गई प्रेस नोट में जिले की 97 परियोजनाओं को हरी झंडी मिली है। महत्वाकांक्षी परियोजना देश की काफी लंबे समय से मांग यार 90 करोड़ की परियोजना मंत्री जी थोड़ा सांसद आवाज नहीं आ पा रही इधर द्वारा मांग का प्रयास किया जा रहा था, उसका शिलान्यास किया गया। सेतु का निर्माण चल रहा है वो उसका शिलान्यास तमाम परियोजनाओं की छोटी सड़कें हैं। मंत्री जी थोड़ा साउंड योजना है लोक निर्माण विभाग यार आवाज नहीं आ रही और आगे भी विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने जो मांग रखी है विभाग हरदोई के कछौना कोतवाली इलाके में एक सिरफरे भाई ने अपनी बहन के चाकू से कूदकर हत्या कर दी। उसके शव को जलाने की कोशिश की, झाड़ियों में फेंक दिया। मृतका की भाभी ने पूरी घटना का राज खोल दिया और पुलिस को बताया कि उसके पति ने अपनी बहन की हत्या की है। सनसनीखेज वारदात की सूचना पर एएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई। एएसपी ने बताया कि मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मृतका की भाभी की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। देखिए आज थाना कछौना अंतर्गत रेसों में झाड़ियों के किनारे जो है एक युवती जिसकी उम्र लगभग 20 से 25 वर्ष की है उसके गले पे चाकू मारकर हत्या किए जाने वाला शव मिला था। उसमें पुलिस द्वारा अभी तक की पूछताछ में यह बात प्रकाश में आई है कि साजिद जो कि मृतक जो युवती थी उसका सगा भाई था, वो अपनी बहन के चाल चलन पे संदेह करता था, उसी क्रम में अक्सर उसके साथ मारपीट किया करता था। इसी क्रम में सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील योजना के तहत एक वक्त का खाना दिया जाता है जिसका उद्देश्य बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है। तो वही महाराजगंज के नौतवा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा महुआ में स्थित प्राथमिक विद्यालय बिछला टोला पर जब हमारी टीम पहुंची तो नजारा बेहद ही आश्चर्यजनक नजर आया। कारण वैसे पैसे की समस्या है, मेरा MDM का पैसा भी फंसा हुआ है और वैसे कहे तो मेरे पास भी मैं भी इस समय पैसे की दिक्कत है, इसलिए बनता है वैसे आज नहीं बना है। जो सहारनपुर के देवबंद में नवनिर्मित HES कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन बुधवार को मुख्यमंत्री ने लखनऊ से अपने वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए किया। इस दौरान उन्होंने देवबंद की जनता को भी संबोधित किया। कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए HES कमांडो ट्रेनिंग सेंटर के परिसर में मंच तैयार किया गया था। मंच पर राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह सैनी, सहारनपुर के जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद, SSP डॉ. विपिन ताड़ा, SP दिहा सागर जैन के साथ जनपद के भाजपा पदाधिकारी और अन्य अधिकारी मौजूद नजर आए। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा लखनऊ से वर्चुअल माध्यम से जुड़कर पुलिस विभाग की लगभग 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण प्रदेश भर के अंदर किया गया है। कुछ का लोकार्पण हुआ है, कुछ का शिलान्यास हुआ है। अलग अलग तरह की उनकी परियोजनाएं हैं, 6 ATS सेंटर हैं और कुछ हमारे साइबर क्राइम थाना आज प्रदेश देश का पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बन गया है जहां उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक जनपद साइबर क्राइम थाना भी आज से और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वाले इंडिया के साथ।